गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जय की गुरुनीति सीरीज के अंदर आपका स्वागत है आज हम केमिकल इक्लिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे ठीक है बेटा तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है कंसिडर्ड द रिएक्शन एन टू ओ फोर विल गिव यू टू एन ओ टू एन टू ओ फोर जो है वो दो एन ओ टू देता है ठीक है आगे क्या कह रहा है द टेम्परेचर एट विच के सी इज इक्वल टू ट्वेंटी पॉइंट फोर एंड के पी इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड पॉइंट वन आपको वह वाला टेम्परेचर निकालना है जहाँ पे के सी की वैल्यू जो है वो ट्वेंटी पॉइंट फोर के बराबर दे रखी हो एंड साथ ही साथ के पी की वैल्यू जो है वो सिक्स हंड्रेड पॉइंट वन के बराबर दे रखी हो ठीक है ला? तो देखिए प्रॉब्लम में ध्यान दीजिए आपको पता है कि के पी बराबर जो होता है वो के सी आर सी की आर टी की पावर डेल्टा एन जी के बराबर होता है ठीक है ना इस रिएक्शन के लिए अगर आप डेल्टा एन की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी यहाँ पे कितना है कि गैसेस मोलकुल टू है और रिएक्टेंट के गैसेस मोलकुल कितने हैं वन है वो वाली वैल्यू आएगी आपके पास वन के बराबर अब देखो के की वैल्यू दे रही है सिक्स हंड्रेड के, के बराबर ठीक है इजिकल टू के की वैल्यू दे रही है ट्वेंटी ठीक है आर आपके पास पता है यहाँ पे वैल्यू दे रही है जीरो पॉइंट ज़ीरो एट थ्री वन यहाँ पे वैल्यू जो दे रही है वही लिखनी है आपको यहाँ पे क्या दे रही है जीरो पॉइंट ज़ीरो एट थ्री वन ठीक है ना साथ ही साथ आपको पता है टी दे रखा है टेम्परेचर आपको निकालना है और डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी दे रखी है वन के बराबर दे रखी है ठीक है ना इससे आप कैलकुलेट करोगे तो टी बराबर जो आएगा सिक्स हंड्रेड पॉइंट वन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी पॉइंट फोर एन टू जीरो पॉइंट जीरो एट थ्री वन ठीक है ना इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी थ्री फिफ्टी थ्री पॉइंट नाइन नाइन कैलविन के बराबर आएगी ठीक है ना जिसको हमें अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर लिखा जा सकता है थ्री फिफ्टी फोर कैलविन के बराबर लिखा जा सकता है ठीक है ना तो ये वाले में जो आंसर आएगा वो आपके पास कितना आएगा थ्री फिफ्टी फोर कैलविन के बराबर आंसर आ जाएगा ठीक है बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम चलिए अगला प्रॉब्लम अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है ध्यान दीजिए फोर ए रिएक्शन आपके पास कोई भी रिएक्शन दे रखी है ए बी दे रहा है और टेम्परेचर दे रखा है फोर नाइन्टी फाइव कैलविन डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे रखिए माइनस नाइन पॉइंट फोर सेवन एट किलो जूल पर मोल के बराबर ठीक है ना अब ये कह रहा है कि इफ वी स्टार्ट द रिएक्शन इन क्लोज कंटेनर एट फोर नाइन्टी फाइव कैलोन विथ ट्वेंटी टू मोल ऑफ ए ठीक है ना तो मैं रिएक्शन को लिख लेता हूँ इक्लेब्रियम की रिएक्शन है ए एंड बी एक दूसरे के साथ इक्लेब्रियम में स्टार्ट में आपके पास ट्वेंटी टू मिली मिली मोल दे रखा है ए का ये कहाँ पे टी बराबर जीरो पे ठीक है ना अब जब t बराबर टी इक्लेब्रियम लेंगे ठीक है तो इक्लेब्रियम की कंडीशन पे आपको बताना है कि b का अमाउंट कितना होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि इक्लेब्रियम की कंडीशन पे बाई द वे x मोल जो है वो यहाँ से चला गया तो b जो बनेगा वो कितना बनेगा x के बराबर ठीक है ना अच्छा यहाँ से आपके पास क्या दे रहेगा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे रही डेल्टा जी नॉट जो होता है वो माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी लॉग के सी के बराबर होता है ठीक है बेटा माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी लॉग के सी इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी देर की है किलो जूल में दे रखी है तो इसको किलो जूल को अगर आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो थाउजेंड से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है ना थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे नाइन फोर सेवन एट ये जूल में आ जाएगा इजिकल टू माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री यहाँ से क्या आएगा आठ अच्छा ये वैल्यू माइनस में तो यहाँ पे भी आप माइनस में लोगे आर की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है अगर ये जूल में दे रखी है वैल्यू तो आर की वैल्यू यहाँ पे किस में लेनी है एट पॉइंट थ्री वन फोर के बराबर एट पॉइंट थ्री वन फोर के बराबर इंटू टेम्परेचर जो दे रखा है वो 495 नाइनटी फाइव इंटू क्या करोगे लॉग के सी की वैल्यू ठीक है बेटा ये वाली आ जाएगी यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो लॉग के सी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली वन के बराबर आ जाएगी ठीक है ना अब लॉग के सी बराबर वन आ रहा है तो इसका मतलब के सी बराबर जो होगा वो टेन के बराबर है क्योंकि टेन की पावर वन यहाँ पे बेस टेन है तो के सी बराबर लिखोगे तो ये वाला जो बेस है इस जगह पे बेस बन जाएगा तो यहाँ पे के सी की वैल्यू कितनी आ रही है टेन के बराबर आ जा रही है ठीक है ना नेक्स्ट देखिए अब आपके पास Kc की वैल्यू टेन के बराबर इस रिएक्शन की अगर आप इक्लेब्रिय की कंडीशन पे की वैल्यू निकालोगे तो इक्लेब्रियम तो के कंडीशन पे क्या आएगा? ट्वेंटी कैलकुलेट करिए तो एक्स इज इक्वल टू टू ट्वेंटी माइनस टेन एक्स ठीक है इसको इधर की तरफ लेके जाइए तो यहां से इलेवन एक्स इज इक्वल टू कितना टू ट्वेंटी के बराबर आएगा

नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है इन एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन कोई भी एग्जोथर्मिक रिएक्शन है जो एक्स एंड वाई की तरफ प्रोसीड कर रही है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू थर्टी किलो जूल पर मोल के बराबर दे रही है ठीक है ना फिर साथ ही साथ क्या कह रहा है कि इफ द एनर्जी चेंज आपको एनर्जी चेंज दे रखा है ड्यूरिंग द रिएक्शन इज माइनस ट्वेंटी के जी जाहिर सी बात है एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो एनर्जी चेंज जो आ गया वो नेगेटिव आएगा आगे क्या कर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन ठीक है ला? इसको ज्यादा बेटर वे में आप ग्राफ की से कर सकते हो बाय द वे ये वाली ऐसा ग्राफ दे रखा है ठीक है ना पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का इस तरीके से ग्राफ दे रखा है और ये वाला ग्राफ जो होता है जब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट के मुकाबले में कम हो उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी अब एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन की वो आपके पास कितनी देरी की थर्टी किलो जूल के बराबर दे रही है ठीक है ना एंड डेल्टा ई डेल्टा ई जो होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में जो गैप होता है एनर्जी का इसी को हम क्या कहेंगे डेल्टा ही और डेल्टा ई की वैल्यू जो आपके पास माइनस ट्वेंटी मतलब ट्वेंटी के बराबर देगी आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो बैकवर्ड में आप यहाँ से प्रोडक्ट से किसकी तरफ जाओगे रिएक्टेंट की तरफ जाओगे तो प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट की तरफ जाओगे तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी टोटल की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी अब ये तो टोटल वैल्यू जो आएगी ये थर्टी तो इधर की तरफ आ रहा है और ट्वेंटी यहाँ पे आ रहा है तो टोटल वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी फिफ्टी किलो झूल के बराबर आ जाएगी ठीक है ना तो आपके पास अगर पूछे कि बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको बैकवर्ड रिएक्शन या फिर रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है तो आप क्या बताओगे 50 किलो जूल के बराबर की किस तरीके से इस ग्राफिकल तरीके से करोगे तो ज्यादा बेटर वे में समझ में आ पाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए अगला प्रॉब्लम ध्यान दीजिए आपके पास क्या दे रेगा सी एल टू दे रखा ठीक है ना रिएक्शन लिख लेता हूँ यहाँ पे सी है वो आपके पास क्या दे रहा है टू सी एल गैस मोल के दे रखा ठीक है ना अब यहाँ पे क्या करे एट इक्लेम ठीक है ना इक्लेबेम की कंडीशन पे मोल्स CL, के मोल जो है वो सीएल के मोल के बराबर मतलब अगर इक्लिब्रम पे इसके अगर मोल मानते हो तो इसके भी कितने फिर क्या प्रेशर आपको प्रेसर दे रखा वन एटीएम के बराबर दे रखा है ठीक है और ये कह रहा है कि केपी ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन की माइनस वन के बराबर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी तो हम क्या करेंगे जब भी के पी निकालेंगे तो आपको पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा ठीक है ना अगर बाई देवे आपके पास इसके एक्स मोल है और इसके एक्स मोल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे तो टोटल मोल्स जो होंगे टोटल मोल्स वो किसके बराबर होंगे टू एक्स के बराबर होंगे ठीक है ना तो टोटल मोल्स आ जाए तो, तो आप क्या निकालोगे मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा मोल अपॉन क्या आएगा टोटल टू एक्स तो इसका तो 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 मोल फ्रैक्शन आएगा वन बाई टू ठीक है ना और इसका मोल फ्रैक्शन आपके पास क्या आएगा एक्स अपॉन टू एक्स इन टू एक्स अपॉन टू एक्स तो इसका मोल फ्रैक्शन भी कितना आएगा आपके पास वन बाई टू के बराबर है ठीक है ना तो दोनों का आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गया ठीक है अच्छा अगर आपको प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर जो होता है तो टोटल प्रेशर जो होता है मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल मोल फ्रैक्शन इसका कितना है कितना दे रहे होगा वो वन बाई टू के बराबर आ जाएगा ठीक है ना सेम अगर पार्सल प्रेशर आपको निकालना है सीएल का तो सीएल गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो mole fraction into P total मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल लोगे मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है वन बाई टू पी टोटल कितना है वन तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपके पास वन बाई टू के बराबर आएगी आपको निकालना क्या है के पी की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए इस रिएक्शन के अनुसार के पी की वैल्यू जो निकालोगी वो आपके पास क्या आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सीएल का होल स्कोर होल स्कोर इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे टू मल्टीप्लाई हो रहा है अपॉन में क्या आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सीएल टू ठीक है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एल कितना आ रहा है बताइए वन बाई टू

यहां से लिखा जाकर इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो यहां से एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी फाइव के बराबर मिल जाएगी ध्यान दे बेटा इसमें एक्स की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी बराबर किसके बराबर पांच के बराबर मिल जाएगी ठीक है बेटा चलो नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं फॉर ए केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम इज 100 एट 300 केल्विन आपको ये दे रखा है के इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे रखी है ठीक है ना साथ ही साथ क्या दे रखा है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे रखी है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस एक्स आर झूल के बराबर और प्रेशर दे रखा वन एटीएम प्रेशर के बराबर ठीक है ना आपको निकालें फाइन द वैल्यू ऑफ एक्स इस एक्स की वैल्यू आपको निकाल ठीक है ना तो नॉर्मल फॉर्मला अपने पास डेल्टा जी नॉट होता है वो आपके पास माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी और यहाँ पे कितना आएगा लॉग के सी के बराबर आ जाएगा ठीक है ना अब देखिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी दे रही है माइनस एक्स इंटू आर के बराबर ठीक है ना यहाँ पे आपके पास क्या आया माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर आर को आर ही रखोगे क्योंकि दोनों तरफ आर 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 तो आपस आप आराम से इजीली क्या हो जाएगा, जाएगा। कैंसिलेड के? के बराबर आउट लोगे माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से एक्स की वैल्यू जो आएगी वो कितने आएगी टू पॉइंट थ्री जीरो इंटू थ्री हंड्रेड ठीक है ना लॉग इसको मैं क्या लिखता हूँ ट्रेंड रेज की पावर टू के बराबर लिख सकता हूं तो या टू आगे आ जाएगा तो यहाँ पे एक्स बराबर किसके बराबर आएगा देखिए एक्स की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे आप पास टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इन टू यहाँ पे आपके पास क्या आएगा ये टू मल्टी टू ऊपर की तरफ आ जाएगा तो यहाँ पे सिक्स हंड्रेड आएगा ठीक है न और सिक्स हंड्रेड को इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली जो भी वैल्यू आती है वन टू एट वन पॉइंट एट या नाइन के बराबर आ जाएगी ठीक है ना तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो आपके पास कितनी होगी एक्स के बराबर होगी आप इसको कैलकुलेट कर लेना जो भी वैल्यू आती है वो आपका आप, आपके पास आंसर हो जाएगा ठीक है बेटा लिख लीजिए ले आप चलो नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपको ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ केसी सी सिक्सटी फोर दे रखी थी इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है सिक्सटी फोर के बराबर दे रखी है अब आपको निकालना इस रिएक्शन के लिए आपको केसी की वैल्यू कैसे निकालो ठीक है ना तो पहले ये देखिए यहां पे रिएक्शन दे रखी है एन टू प्लस थ्री एच टू ठीक है ना और यहां पे आपके पास क्या देगा टू एन एस थ्री के बराबर दे रखा है इसके लिए के इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे रखी है सिक्सटी फोर के बराबर अब इस रिएक्शन के अंदर एन एस थ्री जो है इसमें तो प्रोडक्ट साइड में आ रहा है और इसमें रिएक्टेंट साइड में आ रहा है तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा तो अगर मैं इसको रिवर्ट करता हूँ तो रिएक्शन आपके पास ये वाली हो जाएगी यहाँ पर एन टू प्लस साथ में क्या आएगा थ्री एच टू और जब रिएक्शन को अगर आप रिवर्ट करते हो तो के एक्ब्रम की वैल्यू जो होती है वन बाई सिक्सटी फोर के बराबर आएगी जस्ट उल्टी हो जाती है वन बाई के के बराबर हो जाती है ठीक है ना लेकिन यहाँ पे कॉपिशेंट कितना आ रहा है आपके पास वन आ रहा है लेकिन इस जगह पे कॉपिसेंट कितना आ रहा है टू आ रहा है तो इस रिएक्शन को टू से डिवाइड कर लोगे तो इस रिएक्शन को अगर टू से डिवाइड करोगे तो, तो यहाँ पे वन बच जाएगा यहाँ पे एन विल गिव यू यहाँ पे क्या आएगा हाफ एंड टू प्लस साथ में यहाँ पे थ्री बाई मतलब ये वाली रिएक्शन ही आ जाएगी ठीक है ना और जब भी किसी कॉपिशेंट से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा पॉवर वन बाई टू के बराबर आ जाएगा ठीक है ना बेसिक जो प्रॉपर्टीज है उसके बेस पे कर रहे हैं तो यहां से आपके पास वैल्यू कितनी आएगी वन बाई टू तो यहाँ पे आपके बराबर आ जाएगी ठीक है बेटा तो यहाँ पे केसी की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए जो होगी वो आपके पास कितनी आएगी वन बाई एट के बराबर आ जाएगी ठीक है ला? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम चलिए अगला प्रॉब्लम आपके पास ये कह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए केपी एंड केस, के एंड केसी में रिलेशन निकालना ठीक है अब देखिए यहां पे पहले आपको क्या निकालना होगा डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालनी निकाल होगी डेल्टा एनजी की वैल्यू कैसे निकालोगी प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ गैसेस गैसेस माइनस रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ निकालोगे आप प्रोडक्ट साइड में गैसेस मोलकुल कितना आ रहा है एक आ रहा है क्योंकि ये तो क्या है सॉलिड है अमोनिया आपके पास क्या आएगी गैस सेम एफी थ्री एफी टू एन जो है वो सॉलिड फॉर्म है तो ये तो गैसेस मोलकुल हुआ नहीं तो आपके पास क्या आएगा एच टू गैसेस मोलकुल तो माइनस कितना करोगे थ्री बाई टू के बराबर तो डेल्टा एन की वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस वन बाई टू के बराबर आएगी ठीक है ना अब आपको पता है रिलेशन कि के पी बराबर जो होता है वो क्या होता है के सी आर टी की पावर डेल्टा एन के बराबर होता है ठीक है ना यहाँ से आपके पास क्या आएगा के पी बराबर के सी ठीक है ना आर, आर टी की जगह आर टी लिख लीजिए और डेल्टा एन की वैल्यू क्या आप क्या लिखोगे माइनस वन बाई टू के बराबर ठीक है ना अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि के पी डिवाइड बाई यहाँ पे नीचे की तरफ जाओगे इसको इधर की तरफ लेके आओगे तो आर टी की पॉवर माइनस वन बाई टू के बराबर आएगा तो तो के केसी ठीक है ना और जब माइनस है तो पावर ऊपर की तरफ जाएगी तो केपी आर टी की पावर कितना आएगा आएगा के बराबर केसी ठीक है ना और ऐसा रिलेशन जो दे रखा है वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है केसी बराबर आपके पास क्या है केपी आर टी की पावर वन बाई टू के बराबर तो आपका आंसर फर्स्ट के बराबर हो जाएगा ठीक है बेटा चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम कहिए अगला प्रॉब्लम ठीक है ना क्या कह रहा है प्रॉब्लम ये अच्छा प्रॉब्लम है ली कैटलेर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ठीक है ना क्या कह रहा है आपके पास ये रिएक्शन दे रही है एन टू ओ फोर विल गिव यू टू एन टू और यहाँ पे डेल्टा नॉट की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी देर की फिफ्टी एट किलो जूल के बराबर दे रखी है ठीक है ना मतलब डेल्टा एच नॉट की वैल्यू अगर आपके पास पॉजिटिव आए तो रिएक्शन जो होती है वो आपके पास कौन सी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ठीक है ना तो ये वाली रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है भाई ठीक है ना कौन सी रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन ठीक है ना अगर डेल्टा एच नॉट की वैल्यू लेस देन जीरो आती तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती ठीक है ना अब ये क्या कह रहा है फॉर ईच ऑफ द द फॉलोइंग केसेस ए बी डायरेक्शन इन इक्विलिब्रियम आपको ये बताना है कि इन इन दो कंडीशन के अंदर दो कंडीशन कौन सी कि एक तो जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हो ठीक है ना और दूसरा आपके पास प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिंग एन टू एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दो कंडीशन के अंदर जब आप ये वाला केस कंसिडर करते हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये बताना है कि आपके पास क्या इफेक्ट पड़ेगा ठीक है ना तो सबसे पहले इस रिएक्शन को देखिए यहां पे क्या दे रखा एन टू प्लस सात में एन टू विल गिव सॉरी एन टू ओ फोर है एन टू ओ फोर दे रहा आपके पास टू एन ओ टू के बराबर ठीक है ना अब देखो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी ठीक है ना तो एंडोथर्मी के एंडोथ का मतलब हीट का साइन इधर की तरफ आएगा ठीक है ना अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो हीट के ऊपर लागू होता है जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट इधर की तरफ बढ़ेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी ठीक है ना लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं

एन टू को आप क्या मानोगे इनर्ट गैस मानोगे ठीक है एन टू एट रूम टेम्परेचर ठीक है ना ध्यान एन टू जो है इसको आप क्या मानोगे मानोगे इनर्ट गैस ठीक है ना और आपने पढ़ा होगा इनर्ट गैस का एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर पे ठीक है ना लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है कांस्टेंट टेम्परेचर दे रखा है अब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर देगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि PV बराबर एनआरटी होता, होता है ठीक है ना अब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और डेल्टा एनजी डेल्टा एनजी की वैल्यू यहाँ पे

तो इस कंडीशन में ध्यान दें आपको कंटेनर आपके पास फिक्स दे रखा है और जब भी कंटेनर आपके पास फिक्स दे रखा हो तो आपको क्या करना है कांस्टेंट वॉल्यूम कंसीडर करना है और कांस्टेंट वॉल्यूम कंसीडर करोगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर इनर्ट गैस का एडिशन कराते हो तो कोई चेंज नहीं आता है तो इस कंडीशन में आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा नो चेंज ठीक है ना तो फर्स्ट केस के अंदर टेम्परेचर जो डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट तरफ प्रोसीड करेगी एंड सेकंड केस में जब प्रेशर इंक्रीज बाय एडिंग एन टू कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका आंसर कौन सा थर्ड के बराबर की वैल्यू दे रही है एक रिएक्शन है ए विल गिव यू बी प्लस सी ठीक है ठीक है ना इसके लिए तुम्हें के वन तो के बराबर सेम केस बी प्लस सी जो है वो पी के बराबर दे रखा ठीक है ना इसके लिए के एक्ब्रियम की वैल्यू के टू के बराबर मान ले तो ठीक है ना अब क्या कह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए निकालना है ठीक है ना ए से पी जब ए से पी में जा रहा है और ए से पी इन दोनों रिएक्शन को एड करके लेके आ सकते हो अब इन दोनों रिएक्शन को एड करोगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहां से आपके पास क्या आएगा ए जो है वो प्रोडक्ट देगा अब जब रिएक्शन को किसी दो रिएक्शन को एड करते हो तो इसके इक्ब्रियम कॉन्स्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई ठीक है ना तो मल्टीप्लाई हो गए और यही हमको रिएक्शन डिजायर थी हमको यही चाहिए थी तो इसका जो मैच कर रहा है वो के वन इंटू के टू फर्स्ट के अंदर मैच कर रहा है तो इसलिए इसका आंसर जो होगा बेटा कौन सा आएगा फर्स्ट के बराबर आ जाएगा ठीक है तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा फर्स्ट वाला हो जाएगा ठीक है, चलो, अगला क्या रहा है? जान पे ऐसे ग्राफ इक्विलिब्रियम के अंदर बहुत बार पढ़े हैं ठीक है ना यहाँ पे चार इक्विलिब्रियम के ग्राफ दे रखे आपको क्या पूछा है ठीक है ना तो ध्यान दे जब इक्लेब्रम की कंडीशन अचीव हो, हो जाती हो जाती है की कंडीशन पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड ठीक है जब इक्लेब्रियम अचीव हो जाता है उस कंडीशन पे फॉरवर्ड की रेट एंड बैकवर्ड की रेट क्या होनी इक्वल होनी है ठीक है ना अब देखो बाई पर्टिकुलर टाइम यहां पे देखो कहीं पे भी इक्वल नहीं आ रही फॉरवर्ड की रेट एंड बैकवर्ड की रेट तो ये वाला ऑप्शन मैच नहीं कर सकता ठीक है ना अब देखो यहां पे आपके पास क्या आ रहा है इस जगह पे ही आ रहा है लेकिन जब इक्लेब्रियम अचीव हो चुका होगा तो जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका होगा तो उसके बाद में आपके पास रेट रेट ऑफ ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ही हमेशा क्या होगी होगी इक्वल हो तो ये वाला भी आपके पास आंसर नहीं आ सकता जब इसको देखो इसके अंदर आप देखोगे ना तो इसमें आपके पास जब इस टाइम पर जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा इस दौरान फॉरवर्ड की रेट एंड बैकवर्ड की रेट क्या आएगी इक्वल आएगी तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा लेकिन ये वाला नहीं हो सकता कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन होता तब ऐसा हो सकता था लेकिन यहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड के बारे में पूछा है और रेट 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 ऑफ ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आपके पास क्या हो जाता है इक्वल हो जाते हैं तो इक्वल वाला केवल सेकंड के अंदर फिट कर रहा है इसलिए आपका आंसर कौन सा से बड़ा सेकेंड वाला आ जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट चलिए इलेवेंथ प्रॉब्लम देखिए ध्यान सुनिए इलेवेंथ प्रॉब्लम थोड़ा सा ये इसमें आ गया बेसिकली ये जो है

सबसे पहले इस रिएक्शन को जब आपस में मिलाओगे तो क्या होगा देखो यहां पे बड़ा H2SO4 टू दे रखा है और यहां पे क्या दे रखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है ठीक है ना अब जब इसको आप आपस में रिएक्शन कराओगे तो यहां पे आपके पास क्या बनाएगा अमोनियम सल्फेट बनाएगा ठीक है ना अमोनियम सल्फेट ठीक है ना प्लस साथ में यहां से एच टू जाएगा ये अमोनियम सल्फेट ठीक है ना अब देखो दिया गया क्या है ठीक है ना इसके पास आपके पास ट्वेंटी एम दे रखा है ठीक है ना इसका

एन फैक्टर इनटू मोल ठीक है ना नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मुलाएंगे हो गया आपके पास एम इंटू वी ठीक है ये हो v, ना ये मिली मोल एच टू एस ओ फोर का एन फैक्टर होता है टू के बराबर क्योंकि दो एच प्लस रिप्लेसेबल है और अगर दो एच प्लस रिप्लेसेबल है तो इसका मतलब क्या होगा एन फैक्टर

इस रिएक्शन के अंदर जरा ध्यान दीजिए इसके इसके है जबकि जब, जब रिएक्शन जब होती है तो मिलेक्ट क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए मतलब लॉ ऑफ ये कहता है कि बराबर होना चाहिए ठीक है ना तो यहां पे आपके पास ये कम अमाउंट में आ रहा है और कम अमाउंट में आया तो इसका मतलब ये वाला जो होगा आपके पास क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा ठीक है ना अब ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो इसके जितने मोल ये वाला तो पूरा का पूरा क्या होगा जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है तो रिएक्शन के अंदर पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है अगर इसके चार मिलीक्यूलेंट कंज्यूम होते तो इसके भी चार होंगे तो चार कंज्यूम हो जाएंगे तो बचेंगे कितने सिक्स माइनस फोर तो दो मिलीक्यूलेंट आपके पास इसके बच जाएंगे और इसके बनेंगे किसके अनुसार के अनुसार अगर इसके मिलीकुलट चार है तो इसके भी मिलीक्ट कितने आएंगे चार के बराबर आ जाएंगे ठीक है ना अब देखो एच टू एस ओ फोर तो इसके अंदर बचा हुआ नहीं है फाइनल में क्या रहे सोल्यूशन के अंदर जीरो रह गया जबकि आपके पास वीक बेस ये वाला एन फोर ओ एच बचा हुआ है और साथ ही साथ ये वाला सॉल्ट है अब देखो जब भी आपके पास क्या हो वीक बेस हो और वीक बेस का साथ में सॉल्ट दे रखा हो तो इस कंडीशन में आपके पास ये वाला क्या बन बन क्या बन 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 गया 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 बफर सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन ठीक है ना क्योंकि इन दोनों के अंदर जब इक्विलिब्रियम इक्सर जब आपस में रिएक्शन हो जाएगी तो उसके बाद में आपके पास क्या है वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट दे रखा है और साथ ही साथ वीक बेस

पे pH की वैल्यू निकाल सकते हो पीएच बराबर की वैल्यू कितनी देर की बराबर दे है, तो से कितना है 4 ठीक होगा अपॉन बेस कितना बचा हुआ है दो ठीक है ना तो फोर अपॉन टू तो यहां से पीएच की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी फोर पॉइंट सेवन प्लस ये कितना आएगा लॉग टू ठीक है ना तो लॉग टू की वैल्यू जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली पॉइंट थ्री के बराबर होती है तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो पीएच की वैल्यू कितनी आएगी फाइव के बराबर आ जाएगी हमको पूछा गया क्या है पीएच की वैल्यू अब देखो पीएच की वैल्यू के लिए आपको पता है कि पीएच पीएच बराबर बराबर कितना के बराबर, ठीक है के ठीक ना तो फोर्टीन माइनस पीएच फाइव निकाल ही दिया तो वो किसके बराबर आएगा नाइन के बराबर आएगा ठीक है ना तो यहां पे जरा ध्यान दे इसका पीएच की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी नाइन के बराबर आ जाएगी ठीक है तो इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है ध्यान रखें आइनिक इक्विलिब्रियम के अंदर जब भी ऐसी प्रॉब्लम है आप इजी वे में इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है चलो नेक्स्ट देखिए बड़ा अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपके पास रिएक्शन दे रखी दो रिएक्शन दे रखी है ए वन प्लस यहाँ पे प्लस है साइन बीच में ए वन प्लस बी टू विल गिव यू टू ए बी ठीक है ना एंड सिक्स ए बी आपके पास ये वाला इन दोनों में आपको रिलेशन निकाल ठीक है ना तो फर्स्ट वाली रिएक्शन दे, क्या दे रखी है ए टू प्लस बी टू विल गिव यू

और अगर जब थ्री से मल्टीप्लाई करो तो ये वाली इक्वेशन सेम ये वाली आ जाएगी ठीक है और थ्री से जब मल्टीप्लाई करो तो इसको भी क्या करना पावर में रखना पड़ेगा और इसकी वैल्यू जो आ रही वो आपके पास कितनी दे रही है वैल्यू के टू के बराबर दे रही है तो यहाँ पे ये किसका होगा के टू के बराबर तो यहाँ से वन अपॉन के वन का क्यूब इजिकल टू होगा वो कितना होगा के टू के बराबर ठीक है या फिर ऐसे कह सकते हो के टू बराबर क्या लिख सकते हो के वन की पावर माइनस थ्री के बराबर लिखा जा सकता है के टू क्या लिखा क्या लिखा जा सकता है वन की पावर माइनस थ्री तो यहां से K2 के टू बराबर क्या आएगा के वन की पावर माइनस थ्री के बराबर आंसर आ जाएगा ठीक है बेटा आराम से इजीली आप रिलेट कर सकते हो ठीक है बेटा चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है ध्यान दीजिए आपको तीन रिएक्शन दे रखिए पहले प्रॉब्लम को ढंग से पढ़िए बेटा क्या कह रहा है वैल्यूज ऑफ के पी एंड के सी फोर दी अच्छा तीन सौ कैलविन पे आर टी की वैल्यू ये, ये आपको फायदा होगा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है आर टी की वैल्यू ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स टू के बराबर दे रखी है ठीक है अब देखिए पहले मैं आपको ये बता दू तो के पी बराबर जो होता है वो केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी के बराबर होता है आपको पता है आपको निकाले के पी बाई केसी तो केपी बाई के सी जो होगा आर टी की पावर डेल्टा एनजी के बराबर ठीक है ना अच्छा यहां से आर टी की वैल्यू दे रखी वो कितनी है आपके पास ट्वेंटी पावर डेल्टा एनजी अब डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के लिए इस रिएक्शन के लिए अगर आप डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा टू माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोलकुल जो होंगे इसके अंदर वन प्लस वन कितना होगा टू तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आएगी जीरो के बराबर तो यहां पे अगर वैल्यू को अगर मैं जीरो पुट करता हूं तो 24.62 की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो हो, तो कितनी वन के तो इसके लिए की की वैल्यू निकालोगे आपके पास क्या टू माइनस कि वन कितना आएगा वन के बराबर तो यहाँ पे इसकी वैल्यू की जगह अगर वन लिखता हूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स टू तो यहां पे ट्वेंटी फोर टू इंथ के अंदर भी आ रहा है ट्वेंटी 4.62 यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आपके पास आ रहा है ठीक है ना आगे चलिए फिर बाद में तीसरे के लिए थर्ड वाली रिएक्शन के लिए अगर ढंग से देखोगे आप ध्यान दीजिए डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आएगी डेल्टा एन बराबर कितना आएगा भाई टू माइनस कितना आएगा ये फोर के बराबर क्योंकि वन प्लस थ्री कितना होगा फोर तो यहां से आपके पास माइनस टू अब देखिए इसके लिए के पी बाई के सी की वैल्यू कैसे निकालोगे तो यहां से ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स टू विल गिव यू माइनस टू ठीक है ना तो यहां तो से इसकी वैल्यू जो होगी वन डिवाइड बाई ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स टू की पावर टू ठीक है ना इसको कैलकुलेट करोगे तो 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 आने वैल्यू कम आएगी बेसिकली ठीक है ना तो 10 3 के बराबर आएगी तो इसका आंसर जो आएगा बड़ा कौन सा आएगा फोर्थ के बराबर आ जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम देखिए ध्यान सुनिए ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है यहां पे प्रॉब्लम ये कह रहा है कि

तो देखो यहां पे ये कह रहा है कि एनएच फोर एस एच दे रखा है सॉलिड की फॉर्म में ठीक है बेटा ये वाला डीकम्पोज हो रहा है किसके अंदर एनएच थ्री गैस के अंदर ठीक है ना प्लस साथ में एच टू एस गैस के अंदर डिकम्पोज हो रहा है पहली बात को थोड़ा सा ध्यान से सुने ठीक है ना यहाँ पे लैंग्वेज को समझे आप यहाँ पे इसका जो दे रखा है वो कितना दे रखा है फाइव पॉइंट वन ग्राम ठीक है ना इसका दे रखा है फाइव पॉइंट वन ग्राम के बराबर ठीक है बेटा इसका फाइव पॉइंट वन के ग्राम के बराबर दे रहेगा तो इसका आप मोलर मास निकाल सकते हो तो इसका अगर आप मोलर मास निकालोगे एनएच फोर ओ एच एस एच का तो देखो इसका होता है आपके पास थर्टीन सॉरी फोर्टीन प्लस फोर प्लस थर्टी टू प्लस सात में एस एस एच का वन तो इसका अप्रोक्स फिफ्टी वन के बराबर आएगा ठीक है ना तो इसके आपके पास एन एच फोर एच एस के नंबर ऑफ मोट जो आएंगे वन जीरो पॉइंट वन के बराबर है। कितना आएंगे जीरो पॉइंट वन के बराबर आ जाएगा ठीक है ना आगे प्रॉब्लम क्या कह रहा है आगे प्रॉब्लम यह थर्टी परसेंट डिकम्पोज हो गया ठीक है ना अब ये कह रहे हैं इसका थर्टी परसेंट डीकम्पोज हो चुका है ठीक है तो बाय द वे मान लो तो थर्टी परसेंट डीकम्पोज का थर्टी परसेंट कितना कितना बनेगा आप जीरो पॉइंट बाई हंड्रेड और ये वाला कितना बनेगा जीरो पॉइंट वन इंटू थर्टी डिवाइड बाय हंड्रेड के बराबर बन जाएगा ठीक है चलो इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां पे जीरो पॉइंट जीरो सेवन वैल्यू आ जाएगी ठीक है ना इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ जीरो जीरो कैसे लोग पॉइंट थ्री इंटू पॉइंट वन कितना होगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री ठीक है ना और यहां से आपके पास क्या आएगा जीरो पॉइंट जीरो मतलब आप यहां से क्या कैलकुलेट कर चुके हैं की फोर एस नंबर के जीरो पॉइंट सेवन जीरो जीरो थ्री एंड जीरो पॉइंट जीरो थ्री ठीक है ना? अब यहां से मैं क्या बता सकता हूं यहां से टोटल नंबर ऑफ मोट्स बता सकता हूं तो टोटल नंबर ऑफ मोट्स जो आएंगे इक्लेब्रिय कंडीशन पे जीरो प्लस जीरो पॉइंट जीरो थ्री प्लस साथ में क्या करोगे जीरो पॉइंट जीरो थ्री ठीक है ना तो इस कंडीशन पे टोटल मोल्स जो आएंगे वो अप्रोक्सीमेटली इसको कैलकुलेट करो देखो इसको आएगा जीरो पॉइंट वन थ्री के बराबर ठीक है टोटल नंबर ऑफ जीरो पॉइंट वन थ्री के बराबर ठीक है अब देखिए एक बात सुनिए यहाँ पे आपको प्रेशर नहीं दे रखा है कहीं पे देखो प्रेशर नहीं दे रखा ठीक है जब आपको केपी की वैल्यू निकाली तो या तो टोटल प्रेशर दिया हुआ होना चाहिए या फिर पार्शियल प्रेशर दिया हुआ होना चाहिए ठीक है तो हम प्रेशर निकाल सकते हैं कौन से वाले फॉर्मूले से वी बराबर एनआर के फॉर्मूले से ठीक है ना तो पी बराबर क्या देखते हूं तो? एन प्रेशर में निकाल तो वॉल्यूम कितना दे रखा देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम थ्री लीटर दे रखा ठीक है ना इक्वल टू इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नंबर ऑफ मोल जो दे रहा है वो कितना दे रहा है जीरो पॉइंट वन थ्री इन टू आर की वैल्यू आपको पता है जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन एन टू टेम्परेचर जो दे रखा है वो कितना देगा थ्री ट्वेंटी सेवन थ्री ट्वेंटी सेवन में आप क्या करो टू सेवेंटी थ्री क्या ऐड कर लोगे तो यहां से सिक्स हंड्रेड आ जाएगा ठीक है ना तो यहां से आपके पास प्रेशर जो चेक करोगे के, के बराबर आ की ना? अब आपको निकालना क्या के पी अब देखो केपी जो होगा वो क्या होगा पार्सल प्रेशर ऑफ एन एस थ्री एन टू पार्सल प्रेशर ऑफ एच टू एस क्यों क्योंकि ये तो क्या है सॉलिड की फॉर्म है आपको लेने की जरूरत नहीं तो केपी जो आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एन एस थ्री इंटू पार्सियल प्रेशर ऑफ एच टू एस अब देखो के पी बरफ़ पार्सियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल अब देखिए मोल फ्रैक्शन जो है इसके आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे मोल कितने आ रहे हैं जीरो पॉइंट जीरो थ्री और टोटल मोल है जीरो पॉइंट वन थ्री इन टू साथ में क्या करोगे पी टोटल टू टू से मल्टीप्लाई तो ये मोल फ्रैक्शन इंटू पार्सियल प्रेशर जो होगा वो आपके पास सॉरी टोटल हो प्रेशर होगा वो पार्सल प्रेशर ऑफ एन एस टी निकालोगे इसके मोल कितने तो आपके पास क्या आ जाएगा. और पी टोटल से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे पार्सल प्रेशर ऑफ एच टू एस आएगा और इसकी वैल्यू को अगर आप पूरा कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू जो आपके पास आएगी जीरो पॉइंट फोर टू फोर के बराबर अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी ठीक है भाई तो आपके पास आंसर जो है वो कौन सा इसके अंदर जो है आंसर आपका फर्स्ट वाला मैच करेगा लेगा ठीक है भाई चलो नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम अगला प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि एन टू प्लस थ्री एच टू विल गिव यू टू एन थ्री ठीक है आगे कर दे एट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ द अबव रिएक्शन इज़ पी

जब ये डिसोसिएट होके इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका होगा ठीक है ना चलो तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पे आपके पास एन टू प्लस थ्री एच टू जो है वो आपके पास थ्री एन एच थ्री इसके लिए आपको के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो दे रखी है वो के पी के बराबर दे रखी है यहां पे आपको डिसोसिएट कि, किसको करना है अमोनिया को तो अमोनिया के थ्री मोल है यहां पर डिसोसिएट होके यहां पर एन टू प्लस सात में क्या दे रखा है थ्री एच ठीक है ना

प्लस साथ में पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू प्लस साथ में पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू लेकिन एक बात ध्यान रखिए हमने यहां पे ये बताया कि पार्शियल प्रेशर जो है अमोनिया क्या वो वेरी वेरी लेस है लेस देन है टोटल प्रेशर तो इसकी वैल्यू को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं आप जब आप इसकी वैल्यू को नेग्लिजिबल मानोगे तो पी जो टोटल आएगा वो किसके बराबर का पी एन टू प्लस साथ में पी एच टू के बराबर आएगा ठीक है अब देखो यहां पे टोटल प्रेशर जो आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है

तो इसके कंट्रीब्यूशन में क्या आएगा पार्शियल प्रेशर वन बाई फोर एन टू वन बाई फोर टोटल फोर है इन टू पी टोटल कितना है पी ठीक है ना तो वन बाई फोर इंटू पी सेम इसके मतलब एक तरह से पी बाई फोर आ जाएगा इसके कंट्रीब्यूशन में क्या आएगा पी टोटल के रेस्पेक्ट में ठीक है ना तो थ्री बाई फोर इंटू पी के बराबर आएगा तो मतलब थ्री पी बाई फोर तो यहां पे आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे अगर पी टोटल के टर्म में पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू निकालते तो वो पी बाई फोर के बराबर आएगा एंड इसके टर्म में निकालना चाहो तो आपके पास थ्री बाई फोर पी

ये देखो ये टू है इसको थोड़ा सा ध्यान दे बैलेंस करोगे तो यहां पे टू आएगा, यहां पे टू आएगा आएगा ठीक है ना तो यहां पे आपके पास ठीक है अब देखो इसको आप करोगे तो इस क्या, क्या आएगा ये वाला ये वाला आएगा थ्री पी डिड बाई फोर का होल क्यूब अपॉन में क्या आएगा आपको निकालना है पार्सल प्रेशर ऑफ अमोनिया पार्सल प्रेशर ऑफ अमोनिया ठीक है ना ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लेना पड़ेगा ठीक है ना दैट विल इक्व टू इसकी तरफ भेजिए तो यहाँ पे क्या आएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये के पी नीचे की तरफ सॉरी के पी मल्टीप्लाई होगा तो के पी इन टू ये वाला क्या आएगा पी टू रेजर फोर फोर और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा पी की पावर फोर ठीक है ना सॉरी फोर की पावर फोर ठीक है ना एंड थ्री थ्री रेज डू पॉवर थ्री थ्री के बराबर आएगा आएगा ठीक ठीक है है ऐसे ये ये वाला आ ये वाला होगा तो टू हो और यहाँ पे थ्री की पावर थ्री बाई टू के बराबर अपॉन में नीचे क्या दे रखा है अपॉन टू करोगे तो अपन टू की पावर टू बच जाएगा फोर की पावर टू कितना होगा सिक्सटीन तो आपके पास पार्सल प्रेशर ऑफ एन एस थ्री की वैल्यू जो आएगी वो के पी की पावर वन बाई टू पी का स्कोर थ्री बाई टूट अपॉन सिक्सटीन के बारे में जो कि मैच जो कर रहा है वो किस में कर रहा है आपके पास सेकेंड ऑप्शन के अंदर मैच कर कर रहा है। कर रहा है किसके अंदर मैच है बेटा सेकंड ऑप्शन में तो इसका आंसर जो आएगा बेटा कौन सा आएगा सेकेंड ठीक है चलो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या कह रहा है ध्यान दीजिए ए प्लस टू बी के लिए प्लस सी रखा है रिएक्शन को वापस लिख लेता हूं ए प्लस टू बी यहां से आपके पास टू सी प्लस डी दे रखा ठीक है ना यहां पे क्या कह रहे हैं इनिशियल कंसलटेशन ऑफ बी वाज 1.5 वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ अगर ए का मैं ए मान लेता हूं तो इसका कितना है ऑफ ऑफ टाइम्स के बराबर है जैसा प्रॉब्लम कह रहा है उसी के हिसाब से कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट बट द दंसलटेशन ऑफ बट द इक्विलिब्रियम ऑफ ए एंड बी आर फाउंड टू बी इक्वल ठीक है अब मैं मान लू एट इक्विलिब्रियम इक्लेब्रियम सुने एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे बाय द वे ये कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा ए माइनस एक्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ये वाला कितना होगा 1.5 पॉइंट फाइव एक्स ये वाला होगा कितना होगा टू एक्स और यहाँ पे कितना आएगा एक्स ठीक है X. पूछा गया क्या है इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे ए एंड बी का कंसिडरेशन सेम है तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ ए माइनस एक्स इज इक्वल ठीक है ना वन पॉइंट पे माइनस आएगा क्योंकि टू मल्टीप्लाई तो यहाँ पे माइनस ठीक है बड़ा अब देखो ये वाली वैल्यू को इधर लेके आ जाइए तो यहां से एक्स इजिकल टू तो यहां से आपके पास क्या आएगी एक्स की वैल्यू आएगी क्या आएगी एक्स की वैल्यू ठीक है बेटा अब यहां से एक्स की वैल्यू आएगी तो इससे एक्स की वैल्यू आपको निकालना क्या भाई निकालना क्या है आपको इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट निकालना है तो के निकालना है। तो के को मैं ऐसे लिख सकता हूं सी का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी का कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आएगा A का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? बी का कंसंट्रेशन का होल स्कोर ठीक है वैल्यू लिखिए आप सी सी का एक्स की तो वैल्यू अगर टू इंटू जीरो पॉइंट फाइव ठीक है ना तो टू इंटू जीरो पॉइंट फाइव कितना आपके पास वन एल स्कोर एन टू डी का एक्स तो यहां से कितना आएगा जीरो पॉइंट फाइव ए अपॉन में क्या दे रहा है ए का ए माइनस एक्स एस की वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव ए लिख लीजिए तो ये वाला जो बचेगा वो कितना आएगा जीरो पॉइंट फाइव ए बच जाएगा मल्टीप्लाई बाय बी बी का कितना है वन पॉइंट फाइव ए माइनस टू एक्स टू इंटू एक्स तो ये कितना होगा वन ए तो वन पॉइंट फाइव माइनस वन तो कितना आएगा पॉइंट फाइव है ठीक है न तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी पॉइंट फाइव है ठीक है ठीके? तो देखो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट और यहाँ पे स्क्वायर है भाई यहाँ पे इस जगह पे आपके पास क्या है स्क्वायर है ठीक है एक बार कट जाएगा और बाकी वाली वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएगी कैंसिल uh, आउट हो जाएगी तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका आंसर फोर के बराबर आ जाएगा ठीक है यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए आंसर कितना आएगा फोर के बराबर ठीक तो है चलो नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम तो देखिए बेटा आने की का फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है द सलिबिलिटी ऑफ सी डी एस ओ फोर इन वाटर इज एट इन टू टेन डिग्री फॉर माइनस फोर ठीक है ना तो आपको वो दे रखी ठीक है ना सी डी एस ओ फोर की तो ना तो यहाँ पे सोलिबिलिटी दे रखी है तो इसकी रखीबलि कितनी आएगी एस S और एस S, ना तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो के की वैल्यू के तो KSP बराबर कितना माइनस फोर मल्टीप्लाई बाई एट इंटू टेन रेजर माइनस फोर ये आपके पास KSP के एस पी की वैल्यू मतलब इंटू टेन रेज की पॉवर माइनस एट के बराबर आ जाएगा ठीक है चलो इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी इन जीरो पॉइंट वन एम 0.01 m h2so4 सॉल्यूशन इज इतनी दे रखी ठीक है ना अब आपको ये बताना है कि h2so4 सॉल्यूशन के अंदर बता तो यहां से आपके पास क्या लग जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा ठीक है तो h2so4 का जब आप लेते हो h2so4 बेसिकली डीकंप डिसोसिएट होगा किसके अंदर 2h+ plus साथ में so4-2 में तो यहाँ पे so4-2 कॉमन आयन के फॉर्म में आ रहा है तो ये अगर मैं इसका 0.01 पॉइंट जीरो वन मोल ले तो, तो इसका कितना 2 into इसका आएगा टू इंटू जीरो पॉइंट जीरो वन और यहाँ पे इसका जीरो पॉइंट जीरो वन मोल आएगा ठीक है न वा फोर माइनस टू तो कॉमन है ठीक है ना तो एसो फोर माइनस टू यहाँ पे टोटल सॉलिबिलिटी क्या आएगा जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो वन के बराबर ठीक है ना अब यहाँ पे ये कह रहा है कि एसओ फोर इसकी सॉलिबिलिटी बहुत कम है किसके मुकाबले में जीरो पॉइंट जीरो वन के मोल के मुकाबले जब भी ध्यान रखिए जब इक्विलिब्रियम चेंज कर तो के एस पी की वैल्यू में चेंज नहीं आता तो पहले के एस पी की वैल्यू जो थी अभी भी आपके पास वो की वो रही अभी कितनी है? एस एस प्लस जिरो जिरो बन, है ना के एस पी की वैल्यू कितनी है निकालनी इस एस को जीरो के बराबर के, मान सकते हैं क्योंकि जीरो पॉइंट जीरो वन के मुकाबले में सोलिबिटी बहुत कम है तो यहाँ से क्या आएगा जीरो पॉइंट जीरो वन ठीक है बेटा तो यहां से एस इज इकल टू तो आएगा सिक्सटी फोर इंटू टेन रेज की पावर माइनस एट में क्या आएगा जीरो पॉइंट जीरो वन तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो 64 फोर इन टेन डेज की पावर कितना आएगा माइनस सिक्स के बराबर आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी जो होगी वो 64 फोर इन टू टेन रेज की पावर माइनस सिक्स और यहां पे पूछा गया इसके बराबर तो ये वाली वैल्यू जो आ, आएगी 64 फोर इस जगह पे फिट हो जाएगी ठीक है ना तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा बेटा सिक्सटी के बराबर आ जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है ध्यान दो एन ऑर्डर टू बी प्रीपेयर ए बफर सोल्य बफर सोल्यूशन जिसके पी एच की वैल्यू कितनी देर की है फाइव पॉइंट सेवन फोर के बराबर दे रही है ना सोडियम एसिडेट इज एडेड टू एसिडिक एसिड ठीक है ना सोडियम एसिडेट को एसिडिक एसिड के अंदर एड किया गया इफ द कंसनट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड इन बफर एसिडिक एसिड का बफर के अंदर कंसनट्रेशन दे रखा वन एम के बराबर तो आपको बताना है कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम एसिडेट इन बफर ठीक है ना तो देखो बफर सोल्यूशन के लिए एसिडिक बफर के लिए पी एच का जो फॉर्मुला होता है पी एच बराबर वो आपके पास कितना आएगा पीके प्लस लॉग सॉल्ट का डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा एसिड का आप ध्यान दीजिए यहाँ से पीएच की सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकालना है एसिड का देगा वन इस वैल्यू को कैलकुलेट करो तो यहाँ पे कितना वन तो वन इज इक्वल टू कितना लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो यहां पे बेस टेन है ही तो बेस टेन है तो सॉल्ट का जो कंसट्रेशन होगा वो कितना आएगा टेन एम के बराबर आएगा ठीक है ना क्योंकि तो ये जो है बेस इधर की तरफ बेस हो जाएगा तो टेन रेज की पावर वन और टेन रेज की पावर वन का मतलब क्या होगा टेन के बराबर तो यहां पे आपके पास क्या होगा सॉल्ट या या फिर सोडियम एसिडेड का जो कंसनट्रेशन होगा वो टेन एम के बराबर आ जाएगा ठीक है भाई चलो नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है जीरो पॉइंट जीरो ऑफ वीक एसिड डिजोल्व इन जीरो पॉइंट वन मोल देखो आपके पास क्या कह रहा है ये वीक एसिड है जबकि सॉल्यूशन किसका ले रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन ले रखा है ठीक है ना डिग्री ऑफ डिस्ट्रेस ऑफ एच ए अब देखो इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या करोगे सिंपल तरीके से आपके पास एच ए दे रखा है एच ए जो डिस हो गया एच प्लस साथ में ए माइनस के फॉर्म में इनिशियल कंसल्ट मान ले तो मैं क्या सी के बराबर ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा अगर की और क्या सी अल्फा लेकिन मुद्दे वाली बात क्या है, मैं आपको। मुझे वाली बात क्या है कि पे तो सोल्यूशन का कितना आपके पास वन इंट जीरो पॉइंट वन इंटू वन तो यहाँ पे आप पास कितना आएगा जीरो पॉइंट वन के बराबर ठीक है ना तो ये एच प्लस सोल्यूशन का है ठीक है ना अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो के वैल्यू देखो के की वैल्यू आपके पास दे रखिये तो k बराबर किसके बराबर होगा देखिए k बराबर ठीक है ना तो k बराबर होगा c अल्फा प्लस जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाई बाय सी अल्फा अपॉन मे यहां से कितना आएगा c माइनस सी अल्फा ठीक है ना अब कैलकुलेट करो अच्छा c अल्फा की वैल्यू इसको जीरो पॉइंट वन के मुकाबले में नेगेजिबल मान सकते हो क्यों क्योंकि ये वाला क्या है स्ट्रॉन्ग एसड कंप्लीटली रिसोर्टी होगा जबकि ये वाला क्या है वीक एसिड और k की वैल्यू बहुत कम आ रही तो k की वैल्यू कम आ रही इसके लिए हम सी अल्फा को हम नेग्लीजिबल मान सकते हैं तो के वैल्यू कितनी बराबर मान सकता हूँ क्यों क्योंकि सी माइनस सी अल्फा तो आ, आ, के वैल्यू बहुत कम है तो यहां से आपके पास क्या आएगा केवल अल्फा बच जाएगा तो अल्फा विल इक्वल टू टू इंटू टेन रेज की पॉवर माइनस सिक्स अपॉन में क्या आएगा जीरो पॉइंट वन तो यहां से क्या आएगा टू इंटू टेनोर माइनस फाइव आएगा ठीक है ना आपको बताया गया टू इंटू टेन एक्नस फाइव तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी टू के बराबर ठीक है तो पे फिट वैल्यू जो होगी एच ए का डिसोसिएशन जो होगा की कोटी जो आएगी अल्फा की वैल्यू टू इंटू टेन एक् माइनस फाइव के बराबर आ जाएगी ठीक है भाई चलो नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम देखिए देखो क्या कह रहे हैं सल्फ्यूरस एसिड सल्बिरस एसिड जो है वो डाइबेसिक एसिड ठीक है ना एच टू एस थ्री के वन की वैल्यू दे रखी है के टू की भी वैल्यू दे रखी है ठीक है ना एच टू एस थ्री पहले बार टूटेगा तो एच प्लस प्लस साथ में क्या देगा एच एस फोर एच एस थ्री माइनस की फॉर्म देगा ध्यान दे डाइबेसिक एसिड है तो एसिडिक जो इसकी पी एच की वैल्यू जो है वो फर्स्ट के से ही निकाल दो के वन से ही निकाल दो क्योंकि के टू की वैल्यू क्या है इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम होगी क्योंकि सेकंड डिसीजन जो होता है वो ईजिली होता नहीं तो के टू की वैल्यू बहुत कम है तो इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं ठीक है ना इनिशियल कंसेंटेशन क्या मान ले तो सी तो इसमें से सी माइनस आपके पास क्या होगा सी अल्फा और यहां से क्या सी अल्फा और यहां से क्या आएगा सी अल्फा तो के वन की वैल्यू तो के वन की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं सी अल्फा मल्टीप्लाई बाई सी अल्फा अपॉन में सी माइनस सी अल्फा इसकी वैल्यू को जीरो के बराबर माना जा सकता है और यहाँ से सी सी आपस में क्या होगा कैंसिल आउट तो के की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास कितनी आएगी सी अल्फा स्क्वायर के बराबर ठीक है बेटा सी अल्फा स्क्वायर तो यहाँ से अल्फा जो आएगा बेसिकली क्या आएगा रूट के बाई सी के बराबर आएगा ठीक है अब हमको चाहिए क्या एच प्लस का देखिए एच प्लस का कंसेंट्रेशन जो होगा वो कितना रूट के ए वन इन टू एच प्लस सी अल्फा है ना uh, तो यहाँ से तो क्या होगा सी और अपॉन में ये सी तो यहाँ से क्या आएगा मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से रूट के ए वन सी के बराबर आएगा ठीक है ना अब देखो एच प्लस का वन की वैल्यू अपन को पता है देखो के वन की वैल्यू कितनी है सिक्स पॉइंट फोर सॉरी वन पॉइंट सेवन टेन माइनस टू इंटू सी की वैल्यू कितनी दे रही है अपने पास जीरो पॉइंट फाइव एट एट ठीक है ना इन दोनों को सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी वन इंटू टेन एज पी माइनस टू ठीक है ना तो यहाँ से टेन एच की माइनस वन आएगा ठीक है एच प्लस का कंसेसन टेन एच की माइनस वन आया हमको चाहिए क्या पी एच तो पी एच बराबर क्या तो माइनस लॉग एच प्लस का कंसेसन तो माइनस लॉग एच प्लस कितना टेन एच की पोर माइनस वन तो पी एच की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी वन के बराबर तो यहाँ पे पी एच जो होगा वो बेटा कितना होगा वन के बराबर आ जाएगा ठीक है भाई तो इसमें पी इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे ठीक है चलो नेक्स्ट चलिए अगला आपके पास दो सॉल्ट दे रखे जान दीजिए प्रॉब्लम को ढंग से पूछिए टू सॉल्ट ए टू एक्स प्लस एंड एम एक्स है सेम वैल्यू ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ फोर इंटू टेन माइनस ट्वेल्व ऑफ देयर मोलस्ट सॉलिबिलिटीज ठीक है ला? आपके पास दो सॉल्ट दे रखे ए टू एक्स ठीक है ना पहला ए टू एक्स और दूसरा आपके पास क्या दे रखा है एम एक्स दोनों का सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है सेम दे रखा ठीक है ना ए टू एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेसिकली ए टू एक्स को ए प्लस टू प्लस प्लस एक्स माइनस टू की फॉर्म में लिखा जा सकता है अगर बाई वे इसकी सोलिबिलिटी एस है तो ये यह यहां पे कितना टू एस इंटू एस तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट जो होगा वो कितना आएगा फोर इंटू टेन एज की पावर माइनस ट्वेल्व दैट वील टू एस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ठीक है ना तो यहाँ से क्या आएगा फोर इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेल्व तो ये कितना आएगा फोर एस क्यूब आएगा तो फोर फोर कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से एस की वैल्यू जो आएगी टेन रेस की पावर माइनस फोर के बराबर आएगी तो इस जगह से एस की वैल्यू मतलब फर्स्ट के लिए आ, हम मान सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी फर्स्ट सॉल्ट के लिए एस वन मान ली टेन रेस की माइनस फोर के बराबर सेकेंड एम एक्स जो टूटेगा वो किस में टूटेगा एम प्लस प्लस साथ में एक्स माइनस की फॉर्म में ठीक है ना इसके लिए भी के एसपी की वैल्यू कितनी है फोर इंटू टेन रेस की माइनस ट्वेल्व यहाँ पे एस है सॉल्युबिलिटी इसकी यहाँ पे एस है तो यहाँ से के एस पी कितना है फोर इंटू टेन रेस की पावर दैट विल इक्वल्स टू तो एस स्क्वायर जो होगा वो कितना आएगा फोर इंटू टेन एज की माइनस ट्वेल्व के, ट्वेल के बराबर तो एस जो होगा वो कहना आएगा? इसका रूट लेना पड़ेगा टू इंटू टेन एज की कितना आएगा माइनस सिक्स के बराबर ठीक है ना ये एस टू मान लिया अपने हमको निकालना है कि एस वन अपॉन एस टू की वैल्यू निकालनी। ठीक है ना हमको निकालना क्या बेटा एस वन अपॉन एस टू ठीक है ना तो आप देखिए एस वन डिवाइड बाई एस टू अब देखिए एस वन की वैल्यू कितनी आ रही टेन एज की पॉवर माइनस फोर टेन की माइनस फोर ठीक है ना और एस टू की जो वैल्यू आ रही है टू इन टू टेन एस की माइनस सिक्स ठीक है तो ये वाला जो होगा ऊपर की तरफ जाए तो ऊपर की तरफ जाएगा तो हंड्रेड तो बच जाएगा तो हंड्रेड डिवाइड बाई टू इजिकल टू तो कितना फिफ्टी ठीक है 50, ना तो इनका रेशियो जो आएगा बेटा कितना आएगा फिफ्टी के बराबर आ जाएगा ठीक है तो इसका आंसर फिफ्टी के बराबर होगा भाई ठीक है चलो आगे चलिए इसका आंसर फिफ्टी हमने बताई दिया नेक्स्ट चलिए सिक्स वाला प्रॉब्लम ध्यान दे द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ सी एच का ऑल्टोज इन वाटर ठीक है ना अच्छा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा ठीक है तो हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं सी ओ का ऑल्टोइस किस में टूटेगा टू सी ए प्लस टू प्लस टू ओ एच माइनस की फॉर्म में टूटेगा इसकी सॉलिबिलिटी एस है तो इसकी कितनी आएगी टू एस ठीक है अब के एस पी की वैल्यू कितनी देर गई फाइव पॉइंट फाइव टेन रेज की फोर माइनस सिक्स दैट विल इक्वल टू ये कितना आएगा एस मल्टीप्लाई टू एस का होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे कॉफिशेंट कितना है टू आर ठीक है तो यहाँ से आपके पास कितना होगा फोर एस क्यूब दैट विल्स ठीक है ना तो यहाँ से फोर को नीचे भेज दिए तो एस क्यूब जो होगा वो किसके बराबर होगा फाइव पॉइंट फाइव डिवाइड बाई फोर इन टू टेन की पावर माइनस सिक्स ठीक है ना ये वाला आ जाएगा ठीक है और इन टू टेन रेज की पावर माइनस सिक्स ठीक है हाँ ये वाली वैल्यू दे है अपने पास ठीक है ना तो यहाँ से एस जो होगा वो किसके बराबर आएगा फाइव पॉइंट फाइव अपॉन फोर इंटू टेन रिजोर माइनस सिक्स की पावर वन बाई थ्री आ जाएगा ठीक है ना अब इसको करो तो ये वाला कितना का टेन रिज फोर माइनस टू ये अप्रोक्सीमेटली आएगा वन पॉइंट फोर से डिवाइड करोगे तो वन पॉइंट टू फाइव ठीक है ना वन पॉइंट टू फाइव की पावर वन बाई थ्री जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट वन के बराबर आएगा ठीक है ना तो इसका ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो कौन सा कर रहा है आपका फोर्थ वाला मैच कर रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा बड़ा फोर्थ वाला आ जाएगा सिंपल प्रॉब्लम है के से रिलेटेड ठीक है चलो नेक्स्ट चलिए बेटा अगला गौड़ा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है थोड़ा सा ध्यान से देखें ठीक है ना प्रॉब्लम को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है द सॉल्युबिलिटी ऑफ एजी सी एन इन बफर सॉल्यूशन ऑफ पीएच बफर सॉल्यूशन दे रखा है जिसका पीएच की वैल्यू मतलब एच प्लस कंसंट्रेशन दे रखा है टेन की टेन एच की माइनस थ्री ठीक है ना द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू निकालनी आपको ठीक है ना अच्छा के एस की वैल्यू दे रखी है और के की वैल्यू दे रखी है तो आपको देखो यहाँ पे चीजों को क्या करना है बेसिकली मैनुपलेट करना है ठीक है ना एक दूसरे के अंदर पुटअप करना है तो एजीसीएन का बफर है ठीक है बफर क्या है ए का ठीक है ना ए जी सी एन का एसिडिक मीडियम में अगर लेते हो तो यहां पे क्या बन जाता है एच सी एन प्लस साथ में क्या बन जाएगा एक तरह से सी एन माइनस सॉरी ए जी प्लस बन जाएगा ठीक है ना? अब एक बात ध्यान रखें कि अगर इसके इक्विलिब्रियम पे अगर इसके एक्स मोल है तो इसके भी एक्स मोल होगी ठीक है ना क्योंकि दोनों की स्टॉक क्या रही सेम आ रही और स्टॉक सेम आ रही तो दोनों को हम क्या मान लेंगे एक्स एक्स मान लेंगे ठीक है ना? चलो अब यहाँ पे दो वैल्यूज दे रखी अपने पास एक तो वैल्यूज दे रखी किसकी के एस पी की वैल्यू दे रही है और दूसरी वैल्यू के ए की दे रही है ठीक है ना अब देखो के को देखो के जो है ना एजीसीएन का एस पी तो के बराबर क्या होगा एजी प्लस का, क्या है? का ठीक है ना? इसकी वैल्यू जो दे रखी है अपने अब थोड़ा सा ध्यान दे दूसरा आपके पास क्या दे रखा है एच सी एन का के वैल्यू एच सी एन जो है डिसोसिएट किसके अंदर होता है एच प्लस प्लस साथ में सीएन माइनस के अंदर ठीक है ना तो इसके लिए के की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी एच प्लस का कंसल्टेशन मल्टीप्लाई बाई सी एन माइनस का कंसल्टेशन अपॉन में क्या आएगा अपॉन में देखिए अपॉन में क्या आएगा अपॉन में आएगा एस सी एन का ना ये वाली वैल्यू आएगी ठीक है अब देखो यहाँ से इन दोनों को मेनुपलेट कर सकते हो एक दूसरे के अंदर ठीक है ना एक दूसरे के अंदर आप मेनुप्लेट कर सकते हो एक दूसरे के अंदर यहाँ से सी एन की कंसल्टेशन निकाल सकते हो ठीक है ना तो पहले मैं के वैल्यू लिख लेता हूँ इधर अपने पास के की जो वैल्यू है वो कितनी देरी की सिक्स पॉइंट टू इंटू टेन रेज की पावर माइनस टेन के बराबर दे ठीक है ना ये वैल्यू अब देखिए पहले इस रिएक्शन के अंदर यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो सी एन माइनस का कंसल्टेशन तो जो आएगा के वैल्यू जो है वो कितनी है सिक्स पॉइंट टू इंटू टेन रेज की पॉवर माइनस टेन इज इकल टू एच प्लस का जो पी दे रखा है वो कितना दे रखा बफर का पीएच बफर का पी थ्री दे रखा है

एजीसीएन की विलेता हो जाएगी ठीक है भाई चलो नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है यहां पे आपके पास चार इक्वेशन दे ठीक है ना चार इक्वेशन ठीक है इन चारों ये इक्वेशन को अगर जोड़ते हो ना इन चारों को तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाती है कॉपर प्लस टू प्लस इनको जोड़ो तो आपके पास क्या एगा? फोर एन एस थ्री विल गिव यू आपके पास क्या आएगा कॉपर एन एस थ्री का होल फोर की पावर कितना आएगा प्लस टू आएगा ठीक है ना ऐसा आ जाएगा ठीक है अच्छा इन रिएक्शन को जोड़ने से ये वाली इक्वेशन आएगी तो इसका जो है ऑल ओवर इक्लेब्रियम कॉन्स्टेंट इन जाहिर सी बात है इनके सभी के इक्लेब्रियम कॉन्स्टेंट को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई तो टेन रेज की पावर फोर इंटू वन पॉइंट फाइव एट इंटू टेन रेज की पावर थ्री इन कितना आएगा फाइव इंटू टेन रेज की पावर टू इंटू टेन रेज की पावर टू ठीक है तो यहाँ से टेन रेज की पॉवर टू की पावर फोर सेवन और टेन रेज की पावर इलेवन हो गया ठीक है into आपके पास के ना तो ये तो हो गया एक यहाँ पे पूछा है? है क्या पूछा बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट ठीक है ना तो देखिए बेटा कांस्टेंट जो होता है वो बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं वो वन बाई के बराबर होता है ठीक है ना तो यहाँ से वन बाई के वैल्यू देखो वन पॉइंट फाइव एट इन टू यहाँ से क्या फाइव ठीक है ना

तो इसको सॉल्व करोगे तो टू अपॉइंट वन पॉइंट फाइव एट की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी एक्स के बराबर आ जाएगी ठीक है ना तो सिंपल प्रॉब्लम ज्यादा कोई टफ नहीं ठीक है न चलो नेक्स्ट देखिए अगला प्रॉब्लम ठीक है क्या कह रहा है कि आपको क्या बता ना अमोनियम फॉस्पेट बेसिकली अमोनियम फॉस्पेट का फॉर्मला ये वाला होता भाई ठीक है ना पीके फॉस्पोरिक एसिड एंड पीके बी हाइड्रोक अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू दे देके तो देखो ये बेसिकली आपके पास क्या है वीक बेस प्लस वीक एसिड का सॉल्ट है ठीक है ना आप इस बता ये वाला जो है फॉर्मूला सॉल्ट है और वीक बेस प्लस वीक एसिड के सॉल्ट के लिए फॉर्मूला तो पी एच बराबर सेवन प्लस हाफ यहाँ पे क्या आएगा पी के ए माइनस पी के बी ये वाला फॉर्मूला होता है ठीक है ना चलो तो यहाँ से पीएच की वैल्यू सेवन प्लस हाफ हो गया ठीक है ना पी के की वैल्यू कितनी देरी की देखो पी के की वैल्यू पी के ए की वैल्यू अपने पास फाइव पॉइंट यहाँ से फाइव पॉइंट माइनस सेवन पॉइंट सॉरी फोर पॉइंट सेवन फाइव दे इसको एक बार माइनस करते देख बार तो फाइव पॉइंट टू थ्री को माइनस कर लेते फोर पॉइंट सेवन फाइव से ठीक है ना तो यहाँ से थर्टीन में से फाइव गया कितना अच्छा एट और यहाँ पे फोर और यहाँ पे आपके पास कितना आएगा यहाँ पे जीरो आ जाएगा ठीक है ना क्योंकि जीरो ठीक है ना जीरो पॉइंट और इसको टू से डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना आएगा जीरो पॉइंट टू फोर आ जाएगा ठीक है तो इसकी वैल्यू जो आएगी सेवन पॉइंट टू फोर के बराबर है ठीक है बेटा तो अगर इसका पीएच पूछे ना

आपके पास इक्व्रे में जब होगा तो पी वी प्लस टू प्लस साथ में टू आई माइनस देगा ठीक है ना इसकी सॉलिबिलिटी अगर एस मान ले तो तो इसकी कितनी आएगी टू एस के बराबर ठीक है बेटा चलो अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए इसकी के एस पी की वैल्यू जो दे रखी है वो आपके पास एट इंटू टेन रेज की पावर माइनस नाइन के बराबर दे रखी है आगे देखिए द सॉलिबिलिटी ऑफ लेड आयोडाइड इन जीरो पॉइंट वन मोलर ऑफ लेड नाइट्रेट अब आपने क्या लिया नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया लेड नाइट्रेट आपके पास बेसिकली ये वाला होता है ये वाला डीकम्पोज होगा पी वी प्लस टू प्लस साथ में एन ओ थ्री माइनस वन के अंदर ठीक है ना तो अगर इसका मैं जीरो पॉइंट वन मोल ले तो इसका जीरो पॉइंट वन और इसका भी टू इंटू जीरो पॉइंट वन आएगा ठीक है ना लेकिन आपके पास पी वी प्लस टू के आ रहा है कॉमन आ रहे तो सोल्यूशन के भी आइन इसके अंदर आ रहे तो आपके पास क्या आएगा एस प्लस यहाँ पर कितना आएगा जीरो पॉइंट वन के बराबर आएगा कितना आएगा एस प्लस जीरो पॉइंट वन के बराबर ठीक है ना और अच्छा कॉमन आइन आ जाने के बाद जो के एस पी की वैल्यू में कोई चेंज आता है नहीं ठीक है ना तो नया के एस पी जो होगा एट इंटू टेन डेज की पावर माइनस नाइन दैट विल बी इक्वस टू एस 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 इसको मैं सॉलिबिलिटी को नेग्लिजिबल मान लेता हूँ सोल्यूशन के मुकाबले में ठीक है ना सोल्यूशन के मोल के मुकाबले में तो यहाँ पे क्या 2S आएगा जीरो पॉइंट वन ए इंटू टू एस का होल स्क्वायर के बराबर आएगा ठीक है न तो यहाँ से आपके पास वैल्यू होगी एट इंटू टेन डेज की पावर माइनस एट दैट विल इक्वस टू फोर एस स्क्वायर ठीक है ना तो यहाँ से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो टू इंटू टेन रेस की पोवर माइनस एट डेट विल तो यहाँ से एस की वैल्यू आएगी रूट टू इंटू टेन रेस की पावर यहाँ पे माइनस कितनी आएगी फोर uh, के बराबर ठीक है ना और टू रूट टू की वैल्यू होती वन पॉइंट फोर वन ठीक है ना इंटू टेन रेस की पावर माइनस फोर ठीक है लेकिन आपको देख वैल्यू एक्स इंटू टेन रेस की पावर माइनस सिक्स में तो इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ वन फोर्टी वन इंटू टेन रेज की पावर माइनस सिक्स के बराबर लिखा जा सकता है ठीक है ना आपके पास ये वाली वैल्यू आपको एक्स की वैल्यू निकाल तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी वन फोर्टी वन के बराबर होती तो है यहाँ पे एक्स जो आएगा बेटा वन फोर्टी वन के बराबर आ जाएगा ठीक है, है भाई एंटीज टाइप की प्रॉब्लम इस तरीके से पूछी जाती है ध्यान दे नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है द सलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए बी टू एस थ्री पॉइंट टू इंटू टन रेस माइनस इलेवन ए बी टू का सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दे रहेगा थ्री पॉइंट टू इंटू टेन रेस्कू माइनस इलेवन आपको क्या पूछा है द सोलिबिलिटी पूछा है ए बी टू इन प्योर वाटर की ठीक है ना तो देखिए ए बी टू जो है वो डिसोसिएट होगा किसके अंदर ए प्लस टू प्लस टू बी माइनस के अंदर ठीक है ना इसकी सॉलिबिलिटी ऐसे तो इसकी कितनी आएगी टू एस के बराबर ठीक है ना अपने पास सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा तो मतलब के एस पी जो होगा वो कितना आएगा एस मल्टीप्लाई बाई टू एस का होल स्क्वायर ठीक है ना तो KSP के एस पी की वैल्यू दे रही है कि थ्री पॉइंट टू इन टू टेन एस की पावर माइनस इलेवन दैट विल इक्व टू फोर एस क्यूब हो जाएगा ठीक है ना इसकी वैल्यू जो होगी फोर एस क्यूब ठीक है ना तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो एस क्यूब विल बी इक्व थ्री पॉइंट टू इंटू टेन रेज की पावर माइनस इलेवन डिवाइड बाई फोर ठीक है ना तो एस क्यूब इज इक्वल टू इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ थर्टी टू डिवाइड बाई फोर इंटू टेन रेज की पावर कितना होगा माइनस ट्वेल्व ठीक है ना ये वाली वैल्यू कितनी आएगी एट के बराबर ठीक है ना तो यहाँ से एस जो आएगा वो कितना आएगा एट इंटू टेन रेज की पावर माइनस ट्वेल्व पॉवर वन बाई थ्री आ जाएगा तो यहाँ से कितना आएगा एवर वन बाई टू टू के बराबर और ये वाला क्या आएगा टेन की पावर माइनस फोर के बराबर ठीक है ना तो यहां पे आपके पास इसके टर्म में दे रखे तो यहां से आपके पास क्या आएगा टू इंटू टेन पावर माइनस फोर तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास कितनी आएगी टू के बराबर आ जाएगी ठीक है तो सोलिबिलिटी जो है अपने पास टू इंटू टेन एज फोर माइनस फोर आप ये वाली वैल्यू पूछे तो ये आपके पास टू के बराबर ठीक है चलो नेक्स्ट देखिए अगला प्रॉब्लम देखिए बेटा क्या कह रहा है ज द फॉलोइंग सोलूशन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी एच तो देखो पीएच की डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो so, पहले आप पीएच के टर्म में अरेंज कर लीजिए ठीक है ना तो so, जो ज्यादा बेसिक होगा उसकी पीएच की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी ठीक है ना तो so, देखो सबसे पहले तो ये तो क्या है एसिड है ध्यान दे ये तो है एसिड अपने पास ये वाला क्या है बेस है ठीक है ना जबकि ये वाला क्या है ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का सॉल्ट है ठीक है ना जबकि यह क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है ठीक है ना तो ध्यान दे जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेस हो केवल बेस हो तो उसका बेसिक नेचर क्या होगा बेस में भी कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है स्ट्रांग एसिड ठीक है ना अब देखिए पीएच का अगर ऑर्डर की अगर बात कर पीएच का ऑर्डर तो सबसे ज़्यादा पीएच का ऑर्डर एनओ का होगा क्यों क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है जितना ज़्यादा बेसिक नेचर होगा पीएच की वैल्यू क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी ठीक है ना तो बी की सबसे ज़्यादा होगी उसके बाद में आपके पास क्या आएगी देखो उसके बाद में आपके पास इसकी आएगी क्योंकि स्ट्रांग बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है इसके अंदर तो फिर बाद में सी उसके बाद में आपके पास कितने आएगी डी के और जो सबसे ज्यादा एसिडी कौन सा है एसिड है ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है सबसे ज्यादा एसिडिक इसकी पीएच की वैल्यू क्या होगी सबसे कम ठीक है तो ये तो आपने पास क्या होगा पी का ऑर्डर आया और पी जो होता है वो फोर्टीन माइनस तो जाहिर सी बात है पीएच का ऑर्डर जाएगा जस्ट इसका उल्टा आएगा तो पी का ऑर्डर आएगा बी लेस देन सी लेस देन डी लेस देन ए तो ऐसा जो मैच कर रहा है वो किसके अंदर कर रहा है ए ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी फोर्थ के अंदर मैच कर रहा है इसलिए इसका आंसर कौन सा है बेटा फोर्थ के बराबर आ जाएगा ठीक है ना तो पहले तो आपको क्या निकालना है आपको फर्स्ट आपको बेसिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर निकालना और जिसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा इसका मतलब उसकी पी की वैल्यू ज्यादा होगी जिसकी पी की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब उसका पी की वैल्यू क्या होगी कम होगी ठीक है बेटा चलो थर्टीन वाला प्रॉब्लम देखिए बेटा क्या कह रहा है थर्टीन वाला प्रॉब्लम कि एच के अंदर आपने क्या डाला एनओ डाला बीकर के अंदर एच सी है ठीक है ना और एन एच डाला ठीक है ना एन एच इसके अंदर ऐड कर रहे हो ठीक है ना तो जाहिर सी बात है ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सर है ठीक है ना तो इसका जो इक्वलेंस पॉइंट आएगा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का जो पी एच जो होता है वो सेवन के अप्रोक्सीमेटली होता है तो इसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो है अप्रोक्सीमेटली सेवन के बराबर आएगा तो देखो सी की वैल्यू जो है सेवन के अप्रोक्सीमेटली मिडल पॉइंट में यहाँ पे आएगी ठीक है ना तो इसका आंसर कौन सा आएगा थर्ड वाला आएगा ये वाला नहीं होगा भाई एग्जैक्टली ऐसा ग्राफ नहीं होता टाइट्रेशन के अंदर काउर्ड ग्राफ होता है तो इसका आंसर कौन सा आएगा बेटा थर्ड के बराबर आएगा ठीक है चलो। yes. भाई चलो नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम यस एंड एसिडिक बफर इज ऑपटेंट बाय आपको बताना है कि कौन से में एसिडिक बफर ऑप्टेंट हो जाएगा ठीक है ना तो देखिए सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए कि अगर वीक एसिड प्लस स्ट्रांग बेस का सॉल्ट हो ठीक है ना प्लस साथ में ध्यान रखना वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट ठीक है ना प्लस साथ में वीक एसिड दे रखा हो ठीक है ना तो एक बफर की तरह बियो कर सकता है या फिर इस, आ, अपने पास वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट और साथ में अगर वीक बेस आ जाए ठीक है ना तो ये बफर की तरह बियो कर सकता है इसके अलावा भी और भी पॉसिबिलिटी जो होती वीक एसिड प्लस वीक बेस का भी बफर हो सकता है बाकी इन जनरल हम इन दोनों के बारे में हम पढ़ते ही पढ़ते तो ये पॉइंट तो ध्यान रखना ही रखना ठीक है ना तो इसी को ध्यान में रखते इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो देखो अपने पास क्या दे रखा सी एस थ्री सी एच दे रेरेगा ठीक है ना फर्स्ट ऑप्शन को देखिए यहाँ पे एन एच ए अगर मैं इसको रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा सॉल्ट प्लस साथ में एच टू ठीक है अब देखिए इसके अगर मिलीक्युलेंस की अगर बात करें तो एम इन टू वी तो इसके मिलीलेंट कितना आएगा टेन के? के बराबर इसके भी मिलिक्युलेंट कितना आएगा टेन के? के बराबर ठीक है ना तो दोनों के मिलीकुलेंट बराबर ये भी कंज्यूम हो जाएगा और ये भी कंज्यूम होगा तो केवल और केवल क्या रहेगा सॉल्ट रहेगा तो जब केवल और केवल सॉल्ट ही रहेगा तो वो क्या नहीं कर सकता बफर की तरफ बिहेव नहीं कर सकता तो पहला वाला जो है वो किसी भी हालत में बफर की तरफ बिहेव नहीं कर सकता ठीक है ना बात नंबर दूसरी दूसरी बात करते हैं देखो अपने पास एच सी एल है ठीक है ध्यान सुनना प्लस साथ में सी एस थ्री सी ओ एन ए दे रखा ठीक है ना रिएक्शन करा दीजिए क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी ओ एच प्लस साथ में एन एस सी एल हट जाएगा ठीक है ना अब देखिए एच सी एल के इक्लुएंस कितने हैं एच सी एल के अगर मैं मिलीमोल की अगर बात तो हंड्रेड इन टू जीरो पॉइंट वन टेन आपके पास मिलीमोल एच सी एल के और ट्वेंटी मिलीमोल कितने हैं आपके पास ये है तो यहाँ पे ये यह वाला क्या आएगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा क्योंकि ये कम मात्रा में तो ये तो पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा ये जीरो बचेगा अब ये जीरो बचेगा ये अगर टेन कंज्यूम होगा तो ये भी टेन होगा तो इसका कितना बचेगा टेन और इसका भी कितना बनेगा टेन ठीक है ना तो इस सॉल्यूशन के अंदर जब रिएक्शन कर चुका होगा इस सॉल्यूशन में आपके पास वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट का अमाउंट आ रहा है प्लस साथ में आपके पास क्या आ रहा है वीक एसिड आ रहा है तो वीक एसिड भी आ रहा है प्लस साथ में वीक एसिड भी आ रहा है प्लस साथ में वीक एसिड का स्ट्रोंग बेस के साथ सॉल्ट भी आ रहा है दोनों का अमाउंट इसके अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला किसकी तरफ बिहेव कर लेगा एक तरह से एसिडिक बफर की तरफ बिहेव कर लेगा ठीक है भाई तो ये अपने पास एसिडिक वेफर की तरफ बिहेव कर लेगा बाकी में एस सी एल प्लस एन एस कभी हो ही नहीं सकता और फोर्थ वाले में आप इजीली चेक कर लोगे तो ये भी नहीं हो पाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट चलिए चलो 15 प्रॉब्लम याद रखने वाली प्रॉब्लम है क्या कह रहा है पीएच ऑफ रेन तो रेन वाटर होता है इसका पीएच जो होता है वो थोड़ा बहुत एसिड रेन की वजह से थोड़ा बहुत सेवन से कम होगा वो अप्रोक्सीमेटली फाइव पॉइंट सिक्स के बराबर एसिड रेन का ध्यान रखना फाइव पॉइंट सिक्स के बराबर होता है ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी ठीक है चलो नेक्स्ट चलिए सिक्सटीन प्रॉब्लम देखिए सिक्सटीन प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम भाई ध्यान दीजिए यहां पे प्रॉब्लम क्या कह रहा है ए मिक्सचर ऑफ हंड्रेड मिलीमोल ऑफ सी एच का होल्ड टू एंड टू ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट वाज डिजॉल्व इन वाटर एंड द वॉल्यूम वाज मेड अप टू हंड्रेड एम एल द मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट फॉर्म एंड द कंसनट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन रेस्पेक्टिवली आर ठीक है ना आपको डाटा दे रखा उस डाटा का हेल्प करते हुए देखो सबसे पहले रिएक्शन किसके बीच में दे रखी है ये मैं बता देता हूँ ठीक है ना तो यहाँ पे बेटा रिएक्शन दे रखी है रिएक्शन दे रखी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट की ठीक है ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट को अगर रिएक्ट कराता हूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा सी एस ओ फोर प्लस दो मोल आपके पास किसके बन जाएंगे एनओ एच के मोल बन जाएंगे ठीक है ना अब इसका जो मिलीमोल दे रखा है वो आपके पास हंड्रेड मिलीमोल दे रखा है ठीक है ना सी एच का अब इसके मिलीमोल में निकाल देता हूं ठीक है ना इसका वेट दे रखा है अब देखो एनए टू एसओ फोर एन ए टू एसओ फोर का अगर मोलर मास की बात करें ना तो एन ए का कितना होता है ट्वेंटी थ्री इंटू टू प्लस सात में इसका थर्टी टू प्लस साथ में इसका सिक्सटी फोर तो सभी को ऐड करोगे तो वन फोर्टी टू आएगा ठीक है ना अब इसका वेट दे रखा है अपने पास टू ग्राम तो यहां से क्या आएगा टू ग्राम वेट टू डिड बाय आपके पास कितना आएगा वन फोर्टी टू इसके मोल आ गए ठीक है ना और मिलीमोल निकालने तो क्या करोगे थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है ना तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आपके पास फोर्टीन ग्राम के फोर्टीन मिली मोल के बराबर आएगी ठीक है ना फोर्टीन मिली मोल ठीक है ना तो अब ध्यान दीजिए सी का आपके पास हंड्रेड मिली मोल दे रखे और एन के आपके पास फोर्टीन मिली आ रहा है अब इनको कॉफिशेंट के अनुसार देखोगे तो ये वाला आपके पास क्या होगा लिमिटिंग रिएजन होगा क्योंकि इसका अमाउंट कम आ रहा है तो देखो जब रिएक्शन करेगा तो आपके पास जरा ध्यान दे ये वाला फोर्टीन मिलीमोल है ध्यान सुनना ये 14 मिली मोल है और ये हंड्रेड मिलीमोल तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका तो ये तो अब बचेगा नहीं ठीक है ना ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका है अब इसके फिटी फोर्टीन मिलीमोल तो इसके कितने बन जाएंगे फोर्टीन मिलीमोल इसके बन जाएंगे ठीक है ना और इसके आपके पास कितने आएंगे ट्वेंटी एट मिली मोल के बराबर आएंगे ठीक है ना इसके आपके पास ट्वेंटी एट मिली मोल के बराबर अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को यहाँ पे आपके पास क्या है फोर्टीन मिलीमोल है यहाँ पे फोर्टीन मिलीमोल किसके बन जाएंगे सी के बन जाएंगे अब आपको पूछा गया है सी का वेट ठीक है ना तो ध्यान दीजिए वेट ऑफ सी एसओ सी एसओ निकाल है। तो पहले देखो फोर्टीन इंटू टेन एसकी फोर माइनस थ्री करना पड़ेगा ये तो क्या हो गया मोल्स हो गए मोल इंटू इसका मोलर मोलर वेट सी का जो मोलर वेट है सी एस ओ फोर का वो अपने पास दे रखा है कितना सी फोर का दे रखा है वन थर्टी सिक्स सी फोर का वन थर्टी सिक्स दे रखा ठीक है ना तो वन थर्टी सिक्स इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ऑल ओवर तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट नाइन ग्राम के आ रही है ठीक है ना अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी इसको सॉल्व करोगे आप वन पॉइंट नाइन के ग्राम के बराबर आगे तो ऐसा ऑप्शन में जो मैच कर रहा है वो सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन के अंदर तो मैच नहीं कर रहा है तो आपका फर्स्ट या फिर सेकेंड हो सकता है ठीक है ना तो ये तो आ गया सी दूसरा क्या कह रहा है कि ओच माइनस का कंसंट्रेशन बताना है रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर ठीक है ना तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर ओ एच माइनस का कंसर्ट देखो ओ एच माइनस के जो मोल्स आ रहे हैं वो आपके पास क्या आ रहे 28 मौल। तो हैं है। 28 एट मिली मोल तो मोल्स ऑफ ओ एच माइनस कितने आएंगे बताइए मोल्स ऑफ ओ एच माइनस ट्वेंटी एट इंटू टेन रेज की पावर माइनस कितना आएगा थ्री ठीक है ना ये मोल्स आए और कंसेंट्रेशन निकालने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम दे रहेगा कितना हंड्रेड एम एल एम एल में दे रहेगा तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको थाउजेंड से डिवाइड करना पड़ेगा और इसकी जो वैल्यू आएगी इसकी जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास कितनी आएगी ज़ीरो पॉइंट टू एट मोल पर लीटर के बराबर आएगी ठीक है ना तो इसका आंसर कौन सा आएगा बड़ा फर्स्ट के बराबर आ जाएगा ठीक है ना एकदम सिंपल प्रॉब्लम ज़्यादा कोई टफ नहीं ठीक है चलो नेक्स्ट देखिए आगे अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है ध्यान दीजिए फॉर द इक्ब्रियम टू एच टू इस रिएक्शन के लिए आपको इक्विब्रियम निकालना ठीक है तो देखो टू एच टू लिक्विड की फॉर्म है विल गिव यू एस थ्री और पॉजिटिव प्लस साथ में ओ एच माइनस ठीक है ना इसके लिए के इक्लिब्रियम की वैल्यू निकालोगे ना तो इक्लिब्रियम की कंडीशन पे टू नाइनटी एट कैलविन इसकी कंसेंट्रेशन होती है टेन की पावर माइनस सेवन और इसकी भी कितनी होती है टेन की पावर माइनस सेवन तो टेन की पावर माइनस सेवन मल्टीप्लाई बाई टेन की पावर माइनस सेवन तो के जो के इक्ब्रम की जो वैल्यू आएगी वो टेन की पावर माइनस फोर्टीन के बराबर आएगी अब देखिए आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है आपको पता है डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू होती है वो माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी लॉग के सी के, के बराबर होती है ठीक है ना तो माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर की वैल्यू एट पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो नहीं नहीं जूल में निकाल तो एट पॉइंट थ्री वन फोर लेना पड़ेगा इनटू टेम्परेचर जो दे रखा है टू नाइनटी एट दे रखा है साथ में लॉग टेन रेज की पावर कितना आया पास माइनस फोर्टीन आ गया फोटीन ऊपर लेके तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू आएगी टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एट पॉइंट थ्री वन फोर इंटू टू नाइनटी एट इंटू इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सेवनटी नाइन पॉइंट नाइन कि अच्छा ये वाली जो वैल्यू है किलो जूल में निकालने के लिए थाउजेंड से डिवाइड करना पड़ेगा तो इसकी वैल्यू आएगी सेवनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन के आसपास तो जो है अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर एटी जूल पर मोल के बराबर तो इसका आंसर कौन सा आएगा बेटा फर्स्ट के, के बराबर आ जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम के एस पी ऑफ ए जी टू सीओ थ्री इतना दे रखा ठीक है ना तो आपको मोलर के एस पी देखो अगर मैं बात करूँ ए जी टू तो Ag2CO3 टू थ्री डीकम्पोज होगा डिसोसिएट होगा टू ए जी प्लस प्लस साथ में CO3-2 थ्री माइनस टू के अंदर ठीक है इसको मैं सोल्यूट टू एस और इसकी क्या ले लिया एस ठीक है अब देखिए सॉल्यूशन किसके अंदर ले रहे हैं ए जी एन ओ थ्री के अंदर ए जी एन ओ थ्री का जीरो पॉइंट वन है तो ये वाला टूट जाएगा डिसोसिएट होगा तो Ag+ प्लस प्लस साथ में एन ओ थ्री माइनस ठीक है ना तो ये जीरो पॉइंट वन बोल देगा ए जी जीरो पॉइंट वन ठीक है अब ए जी प्लस वन कॉमन आइन इफेक्ट शो करेगा तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस जीरो पॉइंट वन शो करना पड़ेगा ठीक है कॉमन आइन के अंदर ठीक है चलो अब के एस पी की वैल्यू की जो दे रखिए एट इंटू टेन रेज की पावर माइनस ट्वेल्व दैट वुड इक्व टू टू एस प्लस जीरो पॉइंट वन का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे कॉफिशेंट कितना रहा है टू इंटू सात में क्या करना पड़ेगा बेटा एस ठीक है ना तो यहाँ से एट इंटू टेन रेज की पावर माइनस ट्वेल्व दैट वुड इक्वस टू इसको लगभग लगभग जीरो के बराबर माना जा सकता है ठीक है ना इसको जीरो के बराबर क्यों माना जा सकता है क्योंकि इसके कंपेयर में बहुत कम आएगा क्योंकि सोल्यूशन एजी एन ओ थ्री का है ठीक है तो यहाँ से टेन रेज की पावर माइनस टू इंटू एस हो जाएगा तो यहां से एस की जो वैल्यू आएगी बेटा एट इंटू टेन एस की पॉवर माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाई टेन एस की पॉवर माइनस टू सोल्व तो करोगे तो एस बराबर एट इंटू टेन एस की पॉवर माइनस टेन के बराबर आएगा ठीक है तो यहां पर एट इंटू टेन एस की पॉवर टेन जो है वो किसमें ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर मैच कर रहा है तो इसलिए इसका आंसर कौन सा आएगा सेकंड ठीक है बेटा थैंक यू वेरी मच ठीक है